हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल उठ चंदा वही धंधा में। दोस्तों आज मैं आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूँ एक प्रोजेक्टर एलईडी लाइट। इसे आप वीडियो जब बनाते हो वीडियो के बैकग्राउंड में भी इसे ट्राई कर सकते हो, ऑफिस में ट्राई कर सकते हो या बेडरूम में भी इसे ट्राई कर सकते हो। इसमें डिफरेंट कलर्स भी है दोस्तों जो आपके उंगलियों पे नाचने वाले हैं। जैसे आप चुटकी बजाओगे इसका कलर चेंज होने वाला है, या तो मोबाइल के साथ में जब म्यूजिक आप बजाओगे तो म्यूजिक के साथ में भी इसके कलर चेंज होने वाले हैं। और बैकग्राउंड में तो बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं जो कि मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो इसे अनबॉक्स कर लेते हैं, उसके बाद इसे किस तरह से हमें ऑपरेट करना है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बहुत ही यूजफुल गैजेट से दोस्तों, यदि वीडियो क्रिएटर हो आप या वीडियो बनाते हो, वीडियो के बैकग्राउंड में आप इजीली चेंज कर सकते हो। डिफरेंट कलर आप चेंज कर सकते हो, जैसे जैसे आप बात करोगे वैसे वैसे कलर इसके चेंज होने वाला। मतलब जब भी आप बात करते रहोगे वीडियो में पीछे के साइड में आपका बैकग्राउंड चेंज होते रहेगा, या तो आप जैसे आप चुटकी बजाओगे वो भी चेंज होने वाला है, ताली वगैरह बजाओगे आप तो भी इसका चेंज होने वाला है। तो इसे बेडरूम में लगाने के लिए भी बहुत अच्छा, नाइट के समय में आप इसे ट्राई कर सकते हो या पार्टी वगैरह उस टाइम में भी आप इसे ट्राई करो। तो सबसे पहले तो इसे अनबॉक्स कर लेते हैं दोस्तों। इसके साथ में एक रिमोट भी आपको अवेलेबल हो जाता है, रिमोट के ऊपर भी आप ट्राई कर सकते हो। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ और कितने में मैंने इसे परचेस किया वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में एंड तक के बने रहेगा दोस्तों। वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है प्लीज यार दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो में आगे दोस्तों। सबसे पहले तो ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों मेड इन चाइना का प्रोडक्ट है, लेकिन भरोसा रख सकते, इसे चार्ज वगैरह नहीं कर सकते, आप इलेक्ट्रिसिटी पे ट्राई कर सकते हो या तो फिर मैंने पावर बैंक लिया हुआ है साथ में, मैं ऑपरेट इसे पावर बैंक से ही करने वाला हूँ। बॉक्स पैकिंग बहुत ही अच्छी देख पा रहे होंगे और इजीली आपको प्रोजेक्टर एलईडी सर्च करोगे तो भी अवेलेबल हो जाएगा। बाकी तो बॉक्स पैकिंग के अंदर मैं आपको दिखाई रहा हूँ। सबसे पहले तो इसके अंदर एक मैनुअल मिल जाता है, आप इसे पढ़ सकते हो या ना भी पढ़े तो भी अच्छा है, क्योंकि मेड इन चाइना में लैंग्वेज कुछ भी समझ में आने वाली है। और साथ में एक मेरा रिमोट आपको अवेलेबल जिससे आप ऑपरेट कर सकते हो, डिफरेंट मूवमेंट इसके अंदर जो दी हुई है वो चेंज कर सकते हो, और यहाँ से सेल भी इसका इजिली चेंज कर सकते हो। नीचे के साइड में सेल भी दिया हुआ है, इसे भी साइड में रख लेते हैं। मेन प्रोडक्ट हमारा कुछ इस पर का है दोस्तों, देख पा देंगे इसे आप चार्ज वगैरह बिल्कुल नहीं कर सकते हो, डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी पे ही चला सकते हो। इस तरीके से चार्ज वगैरह बिल्कुल होने वाला है, इसे इलेक्ट्रिसिटी पे ही ऑन करना है आपको, इलेक्ट्रिसिटी पे ही ऑपरेट करना है। सबसे पहले तो ये यूएसबी जो आई है साथ में, यूएसबी आपको बॉक्स के साथ में ही अवेलेबल हो जाती है। और इसकी लेंथ ज्यादा कुछ बड़ी लंबी नहीं है, देख पा देंगे वो छोटी। इसकी लेंथ बड़ी होती थी तो बहुत मजा आता, क्योंकि पीछे यदि रखना है आपको तो इलेक्ट्रिसिटी पे जैसे एडेप्टर पे लगाओगे डिफरेंस थोड़ा लंबा होता तो अच्छा होता। बाकी प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा वेटेड नहीं है, बहुत ही हल्का है देख पा रहे होंगे, और स्मॉल है छोटा सा है। और इसमें क्रोम बने हुए क्रिस्टल साइड तो दिया हुआ है, जैसे कांच वगैरह होते हैं आपका उसी तरीके से पूरा क्रिस्टल दिया हुआ है, और थोड़े थोड़े डॉट्स दिए हुए ऊपर से देख पा रहे होंगे। बाकी मेटल बॉडी बहुत ही अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। और चार्जेबल होता था तो बहुत अच्छा होता था, लेकिन ये चार्जेबल बिल्कुल नहीं है दोस्तों। चलो इसे ऑपरेट करते किस तरह से ऑपरेट करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले तो यूएसबी यहाँ पे अप्लाई करनी है इस तरीके से, मेरे पास में पावर बैंक से, पावर बैंक से मैं इसे ट्राई करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं लाइट्स ऑफ कर लेता हूँ दोस्तों, उसके बाद मैं आपको ऑपरेट भी दिखा देता हूँ किस तरह से करना है। इस तरीके से मैंने ऑन कर दिया इसको, अभी यहाँ से जैसे ही बटन ऑन करूंगा तो ये ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले तो लाइट ऑफ कर लेता हूँ, ऑफ करने के बाद में उसका डिफरेंस मैं आपको सामने दिखा दूंगा दोस्तों। अभी लाइट हमने ऑफ कर ली है, ऑफ करने के बाद में यहाँ से मैं इसे ऑन कर रहा हूँ दोस्तों। ऑन करने के बाद में आप देख पा रहे होंगे इसके डिफरेंस कलर चेंज होना शुरू हो रहे हैं, जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूँ वैसे वैसे इसके डिफरेंस कलर चेंज होते रहे देख पा रहे। पावर बैंक के ऊपर लगाया हुआ उस हिसाब से, बाकी इलेक्ट्रिसिटी पे आप लगाओगे तो बहुत ही अच्छा दूर तक के कैचअप करेगा, बैकग्राउंड में पीछे रखने के लिए भी बेस्ट। जैसे अभी मैं चुटकी बजाऊंगा दोस्तों, बात करना मैं बंद कर रहा हूँ, चुटकी बजाते इससे ही इसका कलर जो है वो डायरेक्टली चेंज होने वाला देख पा रहे। जितनी बार आप चुटकी बजाओगे उतनी बार ये चेंज होगा। कम से कम 20 से 25 कलर्स में ये अवेलेबल है दोस्तों, देख पा रहे होंगे 20 से 25 कलर डिफरेंस के अंदर अवेलेबल हो जाते हैं। यकीन मानिए वीडियो में उतना तो नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत अच्छा दिखाई देता है देख पा रहे होंगे आप। वापस चुटकी बजे या तो गाने वगैरह सॉन्ग वगैरह आप सुन रहे हो उस टाइम में भी इसे ट्राई कर सकते हो, और जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूँ ना दोस्तों वैसे वैसे इसके कलर चेंज होते रहे देख पा रहे होंगे। बाकी ताली वगैरह यदि बजाओगे तो भी इसका कलर चेंज होने वाला। अभी थोड़ा सा इसे नीचे के साइड में रखता हूँ सामने की पोजिशन इस तरीके से, अभी देखना इसका कलर चेंज होगा दोस्तों। बहुत ही यूजफुल गैजेट्स है, पार्टी के लिए भी आप यूज कर सकते हो, बैकग्राउंड के लिए भी यूज कर सकते हो। म्यूजिक यदि लगाओगे और स्पीड में इसकी लाइट चेंज होने वाली है। बाकी रिमोट आपको साथ में दिए, रिमोट का इजीली है ऑपरेट करना, बहुत इजी, जैसे ही आप देख लोगे तो रिमोट में सारी चीजें आपके समझ में आ जाएगी। बहुत ही यूजफुल गैजेट्स है। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, नीचे सब्सक्राइब का बटन सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो बाय दोस्तों, मिलते नए टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इसे आप जब भी परचेस करो दोस्तों तो अमेजोन फ्लिपकार्ट मीशो से आप इजीली इसे परचेस भी कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी देके रखी हुई है। इसे मैंने परचेस किया हुआ है दोस्तों 250 में, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी आप एलईडी प्रोजेक्टर नाम से सर्च करके भी परचेस कर सकते हैं। चलो बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले।